हेलो नमस्ते सस्रेकाल आदाब मेरी तरफ सबको एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। टाइम हो गया जी 4:05, दोपहर की गर्मी है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, हवा ही नहीं है वैसे, लू है, ये गर्म हवाएं चल रही हैं, ठीक है जी, तो इसको हम हवा में नहीं बोलेंगे। अब आज मैंने सोचा आपको एक चीज दिखाता हूँ चंडीगढ़ में ही, वो है जी चंडीगढ़ के कॉलेजेस, मेन कॉलेजेस, सारे नहीं दिखाऊंगा, एक दो जो रह जाएंगे फिर कभी दिखा दूंगा, जो मेरी नजर में आएंगे वो दिखा दूंगा, ठीक है जी। तो आज चंडीगढ़ के कॉलेजेस दिखाने वाला हूँ आपको, यूनिवर्सिटी भी दिखाई थी पीयू, आज है जी चंडीगढ़ के कॉलेजेस की बारी, ठीक है जी। तो चंडीगढ़ के कॉलेजेस दिखाता हूँ कि केड़ी मारता है चंडीगढ़ के कॉलेजेस की, अलग अलग सेक्टर्स में जाएंगे और कॉलेजेस देख के आएंगे। बाहर का वेदर देखिए, ऐसा है तो ग्रीन है, पत्ते जो हिल रहे हैं ना ये धोखाधड़ी है सारी, ये लू वाले पत्ते हैं देखो, इनकी चाल में हम नहीं फंसेंगे, बाहर है गर्मी, चलो बाहर खड़ना पड़ जाए तो फिर भी यार काम तो करना ही होता है ना, ठीक है जी। तो पहला कॉलेज सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है जी सेक्टर 11 के कॉलेजेस, दो कॉलेजेस हैं, सेक्टर 11 कोएड कॉलेज, जो पहले गाइस का होता था, लड़कों का होता था, बॉयज का होता था, गाइस कह रहा हूँ बॉयज का होता था, पीछे रह गया मेरे ध्यान से निकल गया। दूसरा कॉलेज दिखाऊंगा आपको, उसके साथ ही है GCG फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, दोनों सेक्टर 11 में आसपास है, सीधा कॉलेज के बाहर ही चलता हूँ, ज्यादा टाइम ना लेता हुआ। तो सबसे पहला कॉलेज जो आपकी नजर कर रहा हूँ मैं वो है जी मेरे लेफ्ट पे GCM, जो पहले GCM होता था, अब कोएड हो गया ये, ठीक है जी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया ये, मतलब दोनों के लिए, लड़के लड़कों के लिए दोनों के लिए। ये है जी इसका गेट, देखो ये लिखा पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़, ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़, ये सारा जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ये है जी 11 कॉलेज, ठीक है जी, ये पहले GCM होता था, सेक्टर 11 में पड़ता है, ये सारी बाउंड्री वॉल इसी की है वो एंड तक, तो चलते 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 हैं, ठीक है जी। इधर है सेक्टर 15, सरकारी बस भी जा रही है, ये यहाँ से इसकी बाउंड्री वॉल है जो लेफ्ट को चलेगी, ठीक ये जो बीच में डिवाइडिंग रोड है ये क्रॉस करते ही ये जो रेड बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ये है जी GCG की, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, लड़कों का तो खत्म कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट बना दिया, लेकिन लड़कियों का अभी भी बरकरार है, लड़कियों का अभी भी लड़कियों का ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो कोएड बना ये नहीं बना। तो ये है जी GCG फॉर गर्ल्स, PG गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, ये देखो लिखा भी हुआ है ऊपर PG गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11, ठीक है जी, सारा GCG चंडीगढ़ ये सारा, ठीक है जी। अब चलते हैं सीधा सेक्टर 10 की तरफ, वहां दिखाता हूँ कौन सा कॉलेज, ये सारी बाउंड्री वॉल है GCG 11 की। तो जैसे GCM और GCM ही निकली जा रहा मुंह से, जो PG कॉलेज था कोएड वो, वैसे ही यहाँ पे देखो गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, ये सारी दीवार होम साइंस कॉलेज की है सेक्टर 10 चंडीगढ़, ये देखो सरकारी होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, ये है जी, ये भी वैसा ही है देखो, रेड बाउंड्री, अंदर कैंपस है इसका, ठीक है जी, जैसे 11 में वो था ऐसे 10 सेक्टर में ये है, काफी बड़ा है ये भी, देखो कितनी लंबी बाउंड्री वॉल है इसकी, यहाँ तक सारे सरकारी हैं तभी इतने बड़े बड़े, और सरकारी स्कूल भी बहुत बड़े हैं, यहाँ आगे खत्म हुआ है, ठीक है जी। अब चलते आगे 10 सेक्टर का कॉलेज DAV 10 दिखाता हूँ आपको। तो DAV कॉलेज से मैंने पहले सोचा आपको दूसरा दिखा दूं जो उसकी बैक साइड पे, ये जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़, सेक्टर 10 दी, ये है सारा कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, ठीक है जी, गार्डन मेंटेन्ड बाय, सारा लिखा हुआ है, आज बंद है, ताला लगा हुआ है, देखो ये सारा है जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, और ये DAV कॉलेज की बैक साइड है। अब इसके फ्रंट पे चलते हैं, ठीक है जी, वो दिखाते हैं आपको फ्रंट से DAV कॉलेज, ये पड़ता है सेक्टर 10 में, ये सेक्टर 10 का व्लॉग बनाया था ना इंडिविजुअल, सेक्टर 10 है सारा। अब इसके फ्रंट पे चलता हूँ, तो गाइज यहां से शुरू है जी DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, मेरे राइट साइड ये सारी जो वॉल देख रहे हैं आप दीवार, ये 10 सेक्टर DAV कॉलेज की, और जो अंदर बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी सारा DAV कॉलेज है, देखो गेट नंबर 2 है टीचर्स पार्किंग वाला, ठीक है जी, सारा DAV 10, वो देखो अंदर से, ये तो अपना ही कॉलेज है,
तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है अपने को, ठीक है जी। DAV 10, ये देखो ये कैफेटेरिया, इसके बाहर CLTA, और ये है जी DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है इसमें, DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़। ये देखो ये दो गेट हैं इसके, SBI का ATM और ये DAV कॉलेज सेक्टर 10, ये बाद में पार्किंग है इसके। देखो ये सारी बाउंड्री वॉल DAV 10 की, आज कम गाड़ियां खड़ी हैं बिकॉज सैटरडे है आज। ये सारी, इसके अंदर क्रिकेट अकेडमी है युवराज सिंह के फादर की, ये बिल्कुल इसके अंदर ग्राउंड है जो दिख नहीं पा रहा मेरे को पता है, लेकिन ये सारा DAV 10 है। ये देखो क्रिकेट के नेट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारा DAV 10। चलो अब चलते हैं सीधा सेक्टर 26 खालसा कॉलेज दिखाते हैं आपको। सो गाइज ये है जी 26 कॉलेज, जिसको हम खालसा कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, ठीक है जी। बहुत लोग यहाँ से पढ़े हैं, जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़े हैं वो रिलेट कर सकते हैं। साथ में स्कूल भी है इसके, श्री गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह कॉलेजिएट पब्लिक स्कूल किंडरगार्टन, ये देखो लिखा हुआ है। ये सारा है जी श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26। वो देखो पोस्ट ग्रेजुएट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अफिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी है इसके अंदर, वो देखो पीछे। तो ये सारा खालसा कॉलेज चंडीगढ़ ऑन माय राइट सेक्टर 26 में पड़ता है सारा। सबकी देखो आप जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं सबकी रेड बिल्डिंग है ऑलमोस्ट। ये देखो खालसा कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़। अभी तक चली रही है बाउंड्री वॉल इसकी, सारा 26 सेक्टर में पड़ता है। हाँ ये देखो इसके साथ ही आ गया गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है जी, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिख एजुकेशनल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड 1973। तो ये है जी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वुमेन, वो कोएड था, ये सिर्फ वुमेन का है। वो पीछे ब्लू वो भी लगी हुई होर्डिंग, ये भी सेक्टर 26 में, बेबी नान की वॉल ऑफ काइंडनेस, किसी ने कपड़े डोनेट करने हैं तो ऐसे कर जाते हैं लोग, किसी गरीब के किसी लोड़वंद के काम आ जाएंगे। सारा खालसा कॉलेज। अब सेक्टर 26 में थे तो ये कॉलेज भी दिखाना बनता है, जैसे पैक दिखाया था ना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये है जी चंडीगढ़ कॉलेज CCET डिप्लोमा सेक्टर 26 चंडीगढ़ ऑन माय राइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2018 से 22, ठीक है जी। मेन तो यही चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCET, वो देखो आई लव CCET, काफ़ी बड़ा कैंपस इसका, इंस्टीट्यूट गेट नंबर 1, ये है जी CCET चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 26 में पड़ता है ये भी। देखो आगे कितनी लंबी वॉल है इसकी, सबकी देखो जितने भी अभी तक कॉलेजेस दिखाए हैं सब रेड बाउंड्री वॉल्स, ये यहाँ का सिग्नेचर कलर है, चाहे वो स्कूल है चाहे कुछ है, ये सारा भी CCET चल रहा है। ये इसका मेन गेट है देखो यहाँ पे गेट नंबर 2, ये लिखा भी हुआ है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री विंग, वो डिप्लोमा था ये डिग्री है। देखो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है कॉलेज, बहुत सुंदर। तो ये है जी सारा कैंपस चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 26, बड़ा अच्छा कॉलेज है इंजीनियरिंग का, बड़ा नाम है इसका, डिग्री विंग, उधर वाली साइड डिप्लोमा था ये डिग्री विंग है सारा। देखो आगे तक चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक है, कितना लंबा है देखो, इसके अंदर किसी दिन घुसने की कोशिश करेंगे आपा अगर हुआ तो। इंजीनियरिंग वाले थोड़े डर जाते हैं जल्दी कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। चलो क्या ही देखना, बार बार से आपको दिखा दिया बहुत बड़ी बात है। ये भी देखो CCET स्टाफ कैंपस गेट नंबर 3, देखो नो थ्रू पैसेज एंट्री फॉर रेजिडेंशियल ओनली, अच्छा रेजिडेंशियल है ये। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन भी है कुछ, ये लिखा हुआ है। ये है जी डिप्लोमा विंग और उसका स्टाफ कैंपस डिप्लोमा विंग का, समर टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है सारा, तो काफ़ी घर घूर है अंदर, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ बटरफ्लाई पार्क, यहाँ भी आएंगे किस दिन दिखाएंगे आपको बटरफ्लाई पार्क क्या है।
तो यहाँ पे आके बिल्कुल ये खत्म हो जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं सीधा सेक्टर, जो भी आएगा बताता हूँ, आगे याद करने दो मेरे को। तो गाइस रास्ते में चलते चलते एक और कॉलेज आया 26 सेक्टर में, मैंने कहा ये भी दिखा दूं। ये देखो, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एफिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये देखो पीयू के अंडर आता है, ये भी छोटा सा कॉलेज है। ठीक है जी, मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं। सेक्टर 26 में ही है ये, मैं यहाँ से क्रॉस हो रहा था, ये लिखा भी हुआ देखो सामने, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, राइट से दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, एक बार ये गाड़ियाँ क्रॉस हो जाएं। ये है जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 26। तो कोई होम्योपैथिक की पढ़ाई करना चाहता है, देखो सारा हॉस्पिटल भी है और वैसे भी है, योगा क्लासेस वगैरह सारा कुछ है इसके अंदर। ये नया था मेरे लिए भी। ये है जी सेक्टर 20 ऑफ चंडीगढ़, और ये कॉलेज है जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 चंडीगढ़। ये देखो ईमेल आईडी भी लिखी हुई, वेबसाइट 1600 20 20 सेक्टर का पिन कोड। ये सारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 चंडीगढ़। ये देखो रेड दीवार वैसे ही। ठीक है जी, 20 सेक्टर में पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 20 चंडीगढ़। जितने वो बारह मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी कॉलेजेस हैं, कोई रह जाएगा तो फिर वो फिर कभी सही, लेकिन अभी के लिए यही है। देखो सारी वॉल ये रेड वॉल सेक्टर 20 चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज की, ये सारा। काफी बड़े एरिया में है वो एंड तक। नेक्स्ट कॉलेज सेक्टर 32 ऑफ चंडीगढ़। ये कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है, जिसको एसडी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ऑन माय राइट, तो काफी टफ है यहाँ पे भी एडमिशन लेना, काफी कट ऑफ जाती है यहाँ की। देखो एसडी कॉलेज चंडीगढ़, गोस्वामी गणेश दत्ता एसडी कॉलेज, GGDSD कॉलेज बोलते हैं इसको, सेक्टर 32 सी चंडीगढ़। ये सारा एसडी कॉलेज है, देखो मोटो लिखा हुआ है। ये है जी इसका मेन गेट, एसडी स्कूल भी है इसके साथ में, यहाँ से यू टर्न मारते हैं फिर दिखेगा आपको प्रॉपरली। एसडी कॉलेज सेक्टर 32 में पड़ता है चंडीगढ़ के बिल्कुल सामने, सारा एसडी कॉलेज है 32 सेक्टर चंडीगढ़ का। ये देखो इग्नोर द गंदा शीशा, ये है जी एसडी कॉलेज, ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड NAAC कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस UGC न्यू दिल्ली। ठीक है जी, सेक्टर 32 सी चंडीगढ़, एफिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये सारा एसडी कॉलेज की बिल्डिंग है, ये साथ में स्कूल है इसके एसडी पब्लिक स्कूल, सारा एसडी कॉलेज है चंडीगढ़। ये गेट है इसका सारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये वो सारा इसके अंदर है। चलो गाइस ऑन माय राइट इज सेक्टर 46, और 46 में जी गवर्नमेंट PG कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज कोएड है ये राजी राइट में। ये सारी जो वॉल देख रहे हैं ना, ये सामने गार्डन है इसके, ये है जी रेड दीवार एज द ट्रेडिशनल कलर सिग्निफिकेंस। ये देखो PG गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 चंडीगढ़, यू आर एंटरिंग अ प्लास्टिक बैग फ्री एंड नो स्मोकिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स वेयर हेलमेट्स, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो ये है जी मेन इसकी एंट्रेंस अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46। ये सारी साथ साथ में इसकी बाउंड्री वॉल, काफ़ी बड़ा कॉलेज है। ठीक है जी, ये देखो इसका बास्केटबॉल कोर्ट भी दिख रहा है यहाँ से, और ट्रैक एंड फील्ड भी दिख रहा है, देखो वो अंदर स्टेडियम सारा, अंदर खेल भी रहे हैं बच्चे, बास्केटबॉल भी और वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं।
मेरे सामने है जी सेक्टर 45 ऑफ चंडीगढ़, यहाँ पे पड़ता है जी देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन। तो इसको मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ, इतनी दूर से दिखा क्योंकि इसका कोई वो ही नहीं है। वो है जी देखो, धूप पड़ रही है, चलो यहाँ से दिखा देते हैं साइड साइड से चलते हुए। ये बुड़ैल में पड़ता है 45 में, ये सारा राइट पे, ये सारा देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन है जी, सेक्टर 45 चंडीगढ़। ये इसकी बिल्डिंग, ये देखो देव समाज फॉर वुमेन, सारा सेक्टर 45 है चंडीगढ़ का। ये सारी इसकी बाउंड्री वॉल और ये अंदर उसकी बिल्डिंग। यहाँ से फिर देखो नेट्स भी लगे हैं अंदर, यहाँ से फिर अंदर को है देखो देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 45। सेक्टर 42 का कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42, लड़कियों का कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42। ईमेल GCG 42 बोलते हैं इसको, जैसे GCG 11 है ये GCG 42 है। देखो अंदर से सारी इसकी बाउंड्री वॉल लाल लाल से, सारे रेड सिग्नेचर कलर, सारा GCG 42। जैसे GCG 11 है ये GCG 42 है, जैसे PG गवर्नमेंट कॉलेज 11 है वैसे PG गवर्नमेंट कॉलेज 46 है, तो दो दो है ये। गाइज ये वो कॉलेज है जिसमें लड़कियों भी उतनी हैं, लड़कियां अंदर है और लड़के बाहर हैं, गेड़ी बजती रहती है जिसमें 24 घंटे। ये है जी 36 सेक्टर का मशहूर MCM DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स, ये देखो MCM मेहर चंद महाजन DAV कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 36 चंडीगढ़। और यहाँ गेड़ी बजती रहती है, मैं भी मारूंगा किस दिन गेड़ी, आपको 36 की गेड़ी मरवाएंगे MCM की। देखो ये गाड़ियां गुड़ियां जो घूम रही है ना, ये सारी इस चक्कर में ही है, सारा MCM DAV कॉलेज सेक्टर 36 चंडीगढ़, ओनली फॉर गर्ल्स वुमेन। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर 23A चंडीगढ़, ये है जी सरकारी योग सिख अते स्वास्थ्य कॉलेज सेक्टर 23A सामने। इधर तो कोई गिड़ी गुड़ी वाला साहब भी नहीं है, ऐसे मुड़ना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। ये है जी सारा, इधर पार्किंग है छोटी सी, गाड़ी तो हमने लगानी नहीं है। चलो ये है जी योगा के लिए, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग करने आते लोग यहाँ। तो गाइज ये थे सारे कॉलेजेस, एक रह गया 10 सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ठीक है मेरी नज़र में था और रह गया उस जगह, और एक आधा कोई रह गया तो रह गया, वैसे वही रह गया वैसे आर्ट्स कॉलेज, वो भी दिखाया ही है आर्ट्स म्यूजियम वाला व्लॉग बनाया था उसके, तो प्रॉपर अंदर गए थे हम लोग आर्ट्स कॉलेज में। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के और कमेंट भी कर देना, ठीक है बढ़िया सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोग एडमिशन ले लें जिस कॉलेज में वो चाहते हैं अपनी मनपसंद के। ठीक है जी, चलो जी बाय बाय।